मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट हिंदी क्लास। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 की रीडिंग कंप्लीट की, अब हम उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो पेज नंबर 79 और चैप्टर नंबर 12। फर्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। का नंबर पे दिया है विभास का मस्तिष्क बार बार किस माध्यम द्वारा समाचारों को देख विचलित हो जाता था। तो क्या है आंसर, विभास का मस्तिष्क बार बार टीवी द्वारा समाचारों को देख विचलित हो जाता था। खा, वर्ष के सबसे बड़े दिन सब क्यों परेशान थे। सूर्य ग्रहण से परेशान थे। सूखे से बचने के लिए देश के विभिन्न भागों में क्या किया जा रहा है। तो सूखे से बचने के लिए देश के विभिन्न भागों में हवन किया जा रहा था। ठीक है, अब अगला देखते हैं लिखित अभिव्यक्ति। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का, जून के महीने का सबसे बड़ा दिन कौन सा है। 15 जून, 22 जून, 31 जून। तो कौन सा सही है, 22 जून, तो इस पर टिक करिए। खा, अंधविश्वास की तुलना किससे की गई है। पूजा पाठ से, भूलभुलैया से, घनी अंधेरी सुरंग से। तो आंसर क्या है, पूजा पाठ से। अगला देखिएगा, विभास ने बाल सभा में किस विषय पर चर्चा की। झूठ, चोरी, अंधविश्वास। तो थर्ड आंसर सही, अंधविश्वास। अब अगला देखते हैं, वाक्यों को पूरा कीजिए। का, खाली स्थान ही हमारे जीव का दाता है। आंसर है सूर्य, सूर्य लिखिए। खा, जब चंद्रमा की परछाई सूर्य पर पड़ती है तब खाली स्थान होता है, क्या होता है, सूर्य ग्रहण। फिल करिए सूर्य ग्रहण का। आज भी हमारे देश में चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण से संबंधित अनेकों परंपराएं विद्यमान हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं, हमारे समाज में आज भी अनेक खाली स्थान प्रचलित हैं। तो प्रथाएं है ना, फिल करिए प्रथाएं। इस पाठ का आशय जन जन को अंधविश्वास के प्रति खाली स्थान करना है, तो जागरूक। अगला देखते हैं, गलत विकल्प चुनकर गलत लगाइए। का, लोग अंधविश्वास सी क्यों बनते हैं। भय के कारण, अनपढ़ होने के कारण, और अगला है वैज्ञानिक सोच के अभाव में। तो आंसर क्या है सही, वैज्ञानिक सोच के अभाव में। तो इस पर टिक करिए आप। अब अगला देखिए, सूर्य ग्रहण के साथ क्या भ्रांतियां जुड़ी हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय भोजन नहीं पकाना चाहिए। सूर्य ग्रहण देखने से आंखों में ज्योति बढ़ती है। सूर्य ग्रहण के समय दान देना चाहिए। तो ये इस पे टिक करिए, सेकंड वाले पर, सूर्य ग्रहण देखने में आंखों की ज्योति बढ़ती है ना, ये गलत है। तो और ये भी गलत है, आप इस पे भी गलत का निशान लगाइए। ठीक है, अब अगला देखिए, गा, विश्वास दल ने क्या करने का निश्चय किया। अखबार निकाल लें, प्रभात फेरी निकाल लें और पानी बचाएंगे। तो टिक करिए पानी बचाएंगे। ठीक है, अब देखिए अपनी CW कॉपी निकाल लीजिए। हम क्या करते हैं, प्रश्न एवं उत्तर पेज नंबर 78 के पहले हम शब्द अर्थ लिखेंगे, इसके बाद प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। तो ऊपर हेडिंग डालिए 12, लेसन 12, विनाश की डायरी के कुछ पन्ने, और शब्द और अर्थ। दुर्लभ का क्या है, कठिन। आसान का आसार, लक्षण। परंपरा, वर्षों से चले आ रहे रीति रिवाज। आयोजन का समारोह। अपाहिज का विकलांग। जागरूकता का जागरूक करने की भावना। क्षमता का सामर्थ्य। ऊर्जा का शक्ति। पुंज का समूह। भ्रांति का भ्रम। समकक्ष का बराबर। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का नंबर पे सूर्य से हमारा क्या रिश्ता है। आंसर है सूर्य हमारे जीवन का दाता है। सूखा
क्यों पड़ता है? उत्तर, जब गर्मी बहुत पड़ती है और बारिश नहीं होती है तो पानी की कमी होनी हो जाती है, तब सूखा पड़ता है। अगला देखिए, विभास ने अपने विद्यालय में अंधविश्वास मिटाने के लिए कौन सा दल बनाया? आंसर है, विभास ने अपने विद्यालय में अंधविश्वास मिटाने के लिए विश्वास दल बनाया। अगला देखिए, गा नंबर पर, विश्वास दल की घटना की धन से विश्वास दल को सॉरी की नहीं को धन से सहायता करने का आश्वासन किसने दिया? आंसर है, विश्वास दल को धन से सहायता करने का आश्वासन स्कूल के शिक्षक अभिभावक संघ ने दिया। ठीक है, अगला देखिए, सूर्य ग्रहण कैसे होता है? आंसर है, जब चंद्रमा की परछाई सूर्य पर पड़ती है और उसे पूरी तरह से आच्छादित यानी कि ढक देती है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। अगला देखिए, कर्नाटक में पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय की किस घटना से विभास का मन अत्यंत विचलित हो गया? आंसर है, कर्नाटक में सूर्य ग्रहण के समय 4 घंटे तक विकलांग बच्चों को गर्दन के नीचे तक मिट्टी में गाड़ कर रखा गया कि ऐसा करने से उनकी विकलांगता समाप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके क्या हुए, 4 तक क्वेश्चन आंसर। अब देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के संबंध में लोगों की भ्रांतियाँ को कैसे दूर किया जा सकता है और किस मानसिकता के कारण हम चली आ रही कुप्रथाओं को अपनाने लगते हैं? तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। अब देखिए, भाषा तथा व्याकरण करते हैं हम। फर्स्ट दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से गलत विकल्प छांटिए। किरण का रश्मि, लाली अंशु, लाली गलत है, इस पे गलत लगाइए। बादल का जलद वारिद, घनघोर, घनघोर पर गलत लगाइए। प्रातः का है प्रकाश, प्रभात, भोर, प्रकाश पर गलत लगाइए, है ना। प्रातः का पर्यायवाची प्रभात भी है, भोर भी है, प्रकाश गलत है तो प्रकाश पर गलत लगाइए। संतान का पर्यायवाची औलाद सही है और संतति भी सही है, वंशज गलत है तो इस पे गलत लगाइए। अब लकड़ी, काष्ट, काट और बुरादा, तो काष्ट भी कहते हैं लकड़ी को और काठ भी कहते हैं, बुरादा गलत है तो इस पे गलत लगाइए। दूध का दुग्ध, क्षीर, दुग्ध भी कहते हैं दूध को, क्षीर भी कहते हैं पर दधि नहीं कहते, है ना, तो दही अलग चीज़ है तो गलत लगाइए इस पे। अब अगला देखिए, दिए गए शब्दों से 2-2 शब्द बनाइए। ज्ञान का हुआ ज्ञानी, विशेष का विशेषता, युग का कलयुग, प्रकाश का प्रकाशवान। अब देखिए, ज्ञान का ज्ञानी तो हमने क्या बनाया, ज्ञात का अज्ञात। अब विशेष का विशेषता इनने बनाया तो हमने बनाया विशेषण का विशेष। अब युग का कलयुग तो सतयुग का नवयुग। फिर प्रकाश का प्रकाशवान तो प्रकाशहीन का प्रकाशयुग। ठीक है, तो ये हमारे 2-2 शब्द तैयार हो गए। अब अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द चुनकर कीजिए। का नंबर पर दिया, 2 और 2 का खाली स्थान 4 होता है तो योग, है ना, ये शब्द दिए हैं इसी में से देख के आपको फिल करना है, यहाँ क्या लिखेंगे, योग। खा देखिए, गौरव ने अपने कार्यों से सिद्ध कर दिया है कि वह एक खाली स्थान बालक है तो क्या आएगा, योग्य। अगला देखिए, मैं लोगों से उधार खाली स्थान लेने में विश्वास नहीं रखता तो क्या जाएगा, उधार, उधार फिल करिए। घा, प्रतीक बहुत खाली स्थान दिल का व्यक्ति है तो क्या है, उधार। अब पेज नंबर 81 पे आ जाइए। अगला देखिए, अड़ा, यमुना एक खाली स्थान नदी है तो क्या आएगा, पावन। पिचा, शीतल खालिस्तान का झोंका सबको राहत देता है तो क्या आएगा, पवन।
अच्छा, नदी के खाली स्थान पर नौकाएं खड़ी है तो क्या आएगा? पूल। अगला, आज खाली स्थान 10 छात्र कक्षा में उपस्थित है तो कुल। ठीक है, तो ये हमारे खाली स्थान भी कंप्लीट हो गए। अब ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें रचनात्मक कौशल है ये आप करिएगा और मनोरंजक गतिविधि भी आप करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और 13 चैप्टर